रायबरेली में गांजा की तस्करी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार हो गए, जहां पुलिस ने 16 किलो गांजा बरामद कर लिया। सहारनपुर पुलिस ने खैर की लकड़ी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चार तस्करों को धर दबोचा, कब्जे से 8 क्विंटल खैर की लकड़ी और नकदी बरामद। मथुरा में झोपड़ी में रहने वाली महिला की दिन दहाड़े गला खोट कर हत्या कर दी गई, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सिक्किम के याकला में आग की चपेट में आए कई घर, त्रिशक्ति कोर के सैनिकों ने किया रेस्क्यू, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर, नासिक हाईवे पर कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, कार में सवार चार लोगों की मौके पर मौत। पुंछ में मुगल रोड पर कार हादसे का शिकार हो गई, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नालंदा के दनियावा स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया, हादसे में किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, हादसे में भाई बहन और बच्चे की मौत हो गई, एक बच्ची घायल बताई जा रही है, नाराज परिजनों ने हाईवे जाम किया। यूपी के हाथरस में यात्रियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, गाड़ी में सवार 30 लोगों में से 10 की हालत गंभीर, गाड़ी के ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से नीचे लटक गया, हादसे में चालक की मौत हो गई, कैबिन काटकर निकाली गई चालक की लाश। सीहोर के एक स्कूल में क्लास के दौरान अचानक से गिर गया चलता हुआ फैन, पढ़ाई कर रही एक छात्रा पर गिरा ये फैन, घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के बहराइच में एक युवक को सांप ने डस लिया, सांप के साथ जिला अस्पताल पहुंचा युवक, स्टाफ में मचा हड़कंप। जिले के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, तेज बारिश की वजह से सड़कों पर धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, सुहाना हुआ है मौसम, लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। अंबेडकर नगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है, सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर नदी किनारे ही खड़ा है प्रशासन, जनता को मुहैया कराई जा रही है हर सुविधा। शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, बच्चों को बांटे बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतल, बाढ़ से 10,000 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। यूपी के कुशीनगर में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी, घर में फंसी महिला को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। 4 दिन बाद खुला जोशीमठ में बाधित बद्रीनाथ हाईवे, फंसे यात्रियों ने ली राहत की सांस, आवाजाही शुरू होते ही लगा लंबा जाम, सड़क के दोनों तरफ पर वाहनों की लंबी कतारें। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की येलो अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना का अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स बेस डार्विन में शुरू हुआ हवाई अभ्यास, पिच ब्लैक, वायुसेना के सुखोई 30 F-35, F-22, F-18, F-15, ग्रिपेन और टाइफून लड़ाकू विमान शामिल। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पहला नॉर्थ ईस्ट का दौरा, नागालैंड के दीमापुर और असम के तेजपुर आर्मी कमांड पहुंचे सेना प्रमुख, मणिपुर और म्यांमार सीमा की सुरक्षा हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 34 साल बाद फिर से खोला गया उमा भगवती मंदिर, विधि विधान से खोले गए कपाट, कश्मीरी पंडितों ने भजन गाकर मनाया जश्न। आम आदमी को लगा महंगाई का झटका, जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.8% हुई, मई में 4.8% थी खुदरा महंगाई दर। एक दूजे के हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, मुंबई में शादी समारोह का हुआ आयोजन, देश और दुनिया से जुटे वीवीआईपी मेहमान। अनंत राधिका ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला, दुल्हन ने खास अंदाज में ली एंट्री, मौके पर मौजूद लोगों ने दिया आशीर्वाद। अनंत अंबानी और राधिका की शादी में शाहरुख खान और गौरी का रॉयल स्वैग नजर आया, बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड और कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी नजर आए। अनंत और राधिका की शादी में सितारों ने जमाई महफिल, जमकर किया डांस, नए जोड़े को भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। ग्रेसैंड में गुरुद्वारे पर सिख श्रद्धालुओं के हमले के बाद एक युवक गिरफ्तार हुआ है, कैंट में सिख पूजा स्थल पर हुआ था हमला।
SpaceX के रॉकेट में आई खराबी, गलत ऑर्बिट में पहुंच गए सैटेलाइट्स, टीम लगा रही है खराबी की वजह का पता। उत्तरी नाइजीरिया में स्कूल की बिल्डिंग गिरी, हादसे में 22 छात्रों की मौत की खबर है, 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है, लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पोलैंड में एयर शो के दौरान पोलिश सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हादसे में पायलट की मौत। अमेरिका के हवाई में काउई में समंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोगों के लापता होने की खबर है। अमेरिका के वर्मोंट में बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है, वर्मोंट बाढ़ में 120 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। पश्चिमी जापान में भूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, 3 लोगों के लापता होने की खबर है, सड़कों पर आया मलबा। चीन के दक्षिण पश्चिमी शहर चोंगकिंग में भारी बारिश और तूफान का कहर जारी है, 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 86 लोगों के मारे जाने की खबर। अल्बानिया के जंगलों में आग का तांडव, हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। दक्षिणी इसराइल में टैंकों का युद्धाभ्यास, गाजा और उसके आसपास घूमते दिखे इजरायली टैंक। रूस का सुखोई सुपरजेट मॉस्को के पास क्रैश हो गया, परीक्षण उड़ान के दौरान हादसा हुआ, विमान में मौजूद सभी 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और शांति के लिए विश्व के किसी भी नेता के साथ बातचीत के लिए तैयार। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। मारपीट के बीच महिपाल सिंह मकराना के सर पर गार्ड ने बंदूक के बट से मारा, झड़गे में महिपाल सिंह मकराना घायल हो गए। ये तस्वीरें उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब ये लड़ाई हो रही थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर झड़प हुई है, गार्ड ने बंदूक से मारा है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय करणी सेना यहां पर राजस्थान के जयपुर से तस्वीरें सामने आई है। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना के बीच मारपीट का ये वीडियो सामने आया है जो आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि गार्ड ने बंदूक के बट से उनको मारा, झगड़े में महिपाल सिंह मकराना घायल हो गए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं महिपाल सिंह मकराना जो घायल हो गए, और गार्ड जो वहां पर मौजूद है जिसके हाथ में बंदूक है, गन है, वो उसने उनके ऊपर बंदूक के बट से प्रहार किया और लगातार उनके ऊपर बंदूक तानता हुआ यहां पर वो गार्ड नजर आ रहा है। फतेहपुर में एक युवक को 7 बार सांप ने काटा, युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है, स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन किस तरीके से हड़कंप मच गया आसपास के माहौल में वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश के फतेहपुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, एक युवक को सांप ने 40 दिन में 7 बार काटा है और अभी 3 बार और काटेगा। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन ये सच है। युवक का नाम विकास द्विवेदी है और वो 24 साल का है। विकास और उसके परिजनों के मुताबिक जब सांप ने उसे तीसरी बार काटा तो उसे सपना आया जिसमें सांप ने कुल 9 बार काटने को बोला है। 34 दिन में 6 बार ने सांप काटा है, इससे शनिवार और संडे को ही शिकार करता था, तो हम लोग को लगा कि ये शनिवार को फिर शिकार करेगा, तो हम लोग नासिक और बालाजी जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने बात चालू की कि मुझे नासिक जाना है, तो उसके 5 ही मिनट बाद तुरंत आया सांप ने उनको फिर डस लिया है। विकास को जब 7वीं बार सांप ने काटा तो उसकी हालत नाजुक हो गई, उसका ICU में इलाज चल रहा है। वहीं युवक को बार बार सांप डसने की बात से स्वास्थ्य महकमा हैरान है। CMO ने 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया है जो इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देगा।